वैसे तो हमारे हनुमान जी के ऊपर कई सारी एनिमेटेड सीरीज और मूवीज जैसे कि हनुमान, बाल हनुमान, रिटर्न ऑफ हनुमान, लेजेंड ऑफ हनुमान, हनुमान द दमदार बन चुकी हैं। लेकिन आज हम जिस शो के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे देखकर आप वापस अपने बचपन के दिनों में पहुंच जाने वाले हो। विश्वास नहीं होता तो खुद देख लो। पवनपुर का मारुति बना वीर। हाँ भाई लोग, कुछ कुछ याद आया या फिर नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। ये है द न्यू एडवेंचर्स ऑफ हनुमान। ये कार्टून शो साल 2007 में आई आइकॉनिक मूवी रिटर्न ऑफ हनुमान की ही एक स्पिन ऑफ सीरीज है और आज हम इस शो के बारे में कुछ नहीं बल्कि सब कुछ जानने वाले हैं। इसे किसने बनाया, कब बनाया एंड और भी बहुत कुछ। प्लस वीडियो के बीच में आपके लिए एक बहुत खास बोनस भी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वॉच इंट्रो एंड गेट स्टार्टेड टू नो समथिंग एक्साइटिंग। द न्यू एडवेंचर ऑफ हनुमान सबसे पहले साल 2010 में पोगो चैनल पर ब्रॉडकास्ट किया गया था। बात करें शो के प्लॉट की तो शो के अंदर हमें पवनपुर नाम का एक फिक्शनल टाउन दिखाया जाता है जहां के एक ऑर्फेनेज स्कूल में हमारा मेन कैरेक्टर मारुति और उसके दोस्त एक साथ पढ़ते हैं और रहते भी यहीं हैं। और अगर आपने ये शो अपने बचपन में देखा है तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि यार ये मारुति के पास मौजूद जो जादुई गदा है वो लॉकेट उसे आखिर मिला कहाँ से। वेल, अगर आपने इस शो का इंट्रो थोड़ा ध्यान से देखा हो तो उसमें इस लॉकेट को आसमान से जमीन की ओर गिरते हुए दिखाया गया है जिसके बाद वो लॉकेट मारुति को मिल जाता है, बिल्कुल बेन 10 के ओमनीट्रिक्स वाली स्टोरी जैसे। एंड इस लॉकेट से मारुति के पास जादुई शक्तियां आ जाती हैं जिनका उपयोग वो लोगों की रक्षा करने के लिए करता है। और इंटरेस्टिंगली मारुति उसको मिला जादुई लॉकेट और सुपर पावर्स के बारे में किसी को भी नहीं बताता। यानी सबकी नजरों में मारुति और उनको बचाने वाला बाल हनुमान दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, बट इन रियलिटी दोनों एक ही होते हैं। वैसे कमेंट करके बताना जरूर कि आप में से किस किसने इस शो को देखकर अपने बचपन में हनुमान जी के ऐसे गधा वाला लॉकेट को खरीदा था। वेल, बैक टू द प्लॉट। शो के अंदर हमें डॉक्टर शनि नाम के एक विलन साइंटिस्ट को दिखाया गया है जो कि हमेशा मारुति से उसका लॉकेट छीनने के लिए और पवनपुर के लोगों को सताने के लिए अपने वल्चर याकी के साथ मिलकर नए नए खतरनाक इन्वेंशन करता रहता है। लेकिन हर बार मारुति अपने लॉकेट की शक्तियों की मदद से सभी विलन को हरा देता है और डॉक्टर शनि के प्लान्स को फेल कर देता है। इस शो के महज 2 सीजन ही बनाए गए थे जिनमें 13-13 एपिसोड शामिल हैं। ओरिजिनली इसका फर्स्ट सीजन 2010 में और दूसरा सीजन साल 2011 में पोगो चैनल पर एयर किया गया था। न्यू एडवेंचर ऑफ हनुमान को परसेप्ट पिक्चर कंपनी के द्वारा बनाया गया था एंड वहीं शो के डायरेक्टर थे उपेंद्र देसाई। और यहाँ एक फन फैक्ट सुनो, फन फैक्ट से भी पहले क्या आपको पता है, अब आप मेरी ये 379 रुपीस वाली बुक मात्र 59 रुपीस में पढ़ सकते हो। कैसे? मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके। हैं, सच्ची? हाँ भाई मुच्ची, जब आप इस चैनल की किसी भी लेवल की मेंबरशिप ज्वाइन करोगे तो आपको उनके पर्क्स लाइक स्पेशल लॉयल्टी बैच, कस्टम इमोजी एंड प्रायोरिटी रिप्लाई टू योर कमेंट्स एटसेट्रा तो मिलेंगे ही, साथ में मिलेगा एनिमे एंड दियर लास्ट एपिसोड्स के ई बुक का लाइफ टाइम फ्री एक्सेस। तो देर किस बात की, ज्वाइन द चैनल नाउ। अब सुनो फन फैक्ट, इस शो के इंट्रो में जो टाइटल ट्रैक आपने कुछ देर पहले सुना था ना, उसे बॉलीवुड के फेमस सिंगर खुद कैलाश खेर ने गाया था। एंड बात करें शो के डबिंग आर्टिस्ट की तो अनफॉर्चुनेटली इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक सोर्सेज पर अवेलेबल नहीं है, यहाँ तक कि इस शो का कोई विकिपीडिया पेज भी नहीं है। सो या, यही था आज का वीडियो, थैंक्स फॉर वॉच। अरे अरे भाई रुको, तुम बोनस का बोले थे, कहाँ है वो? बोनस ये लो। नटखट बोले है बजरंगी, सब गाए इनके गुणगान, सास फुला कर दानव भागे, सुनते ही बस इनका नाम।
हनुमान और जादुई नगरी। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को इस एनिमेटेड मूवी के बारे में पता है, लेकिन एक बात पक्की है, जिस जिसने ये मूवी अपने बचपन में देखी होगी वो इस समय बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रहे होंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली अर्ली 20s में आई ज़्यादातर इंडियन एनिमेशंस की तरह इस मूवी के रिगार्डिंग भी इंटरनेट पर कुछ खास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सियाट स्टूडियो के द्वारा बनाई गई 60 मिनट्स की ये 2D एनिमेटेड मूवी साल 2011 में रिलीज की गई थी। मूवी की कहानी बजरंग बन नाम के एक राज्य पर बेस्ड है, जिसमें बेसिकली बाल हनुमान और एक राक्षस की कहानी दिखाई गई है, मतलब उनकी फाइट होती है। और ये मूवी YouTube पर अवेलेबल है, तो अगर आप इसे देखना चाहते हो तो लिंक्स विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। वैसे आप लोगों को तो याद ही होगा कि अर्ली 20s में हमने ऐसे ही कई सारे कार्टून्स और एनिमे देखे थे जिन्हें हम चाहकर भी कभी नहीं भुला सकते। कहीं ना कहीं वो एरा एक गोल्डन एरा था जब हमने अपने बचपन को खूब इंजॉय किया। लेकिन आज का समय बिल्कुल बदल चुका है, अब लगभग सभी पुराने शोज आना बंद हो गए हैं और बच्चों को अगर कार्टून्स देखने भी होते हैं तो वो इंटरनेट पर ही देख लेते हैं। लेकिन कोई हमसे पूछे यार, वो मज़ा जो कार्टून्स को टीवी पर देखने में आता था, कार्टून्स ही नहीं सिर्फ एनिमे को भी जब हम टीवी पर ही देखकर खूब एंजॉय करते थे, वो एरा कभी वापस नहीं आ सकता। क्यों, सही कहा ना मैंने? हो सकता है कि अब उन ओल्ड एनिमेशंस को देखकर आपको ये सब क्रिंज और इररिलेवेंट लगे, बट आज से लगभग 10-15 साल पहले ऐसे ही शोज ने हमारे बचपन को मेमोरेबल बनाया है। सो इसके स्टोरी लाइन और एनिमेशन को जज करने से पहले एक बार सोच लेना दोस्त, क्योंकि क्या पता आप रात में सो तो जाओगे पर सुबह मिलो ही ना। जोक्स अपार्ट, यू कैन फॉलो एंड ऑलवेज मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनिमेशंस, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा शिजुका की कसम। प्लस जाते जाते इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस आज ही देख डालो यदि आपने इस वीडियो को थोड़ा सा भी एंजॉय किया है तो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।